Good morning everyone. Today we will take exercise 1.6 of chapter 1. Students, आज हम exercise 1.6 start करेंगे. Question number 2. Divide the given numbers using a long division method. Use your notebook to perform the divisions and write the quotient Q and the remainder R. Means students, आपको long division पर use करके इन numbers को जो आपको यहाँ given है, इन्हें आपको divide करना है. And students, डिवीजन परफॉर्म करने के लिए आपको अपने नोटबुक का यूज करना होगा एंड आपको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड आउट करके राइट करने हैं. स्टूडेंट्स, आपको इस तरह क्वेश्चंस दिए हैं आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.6 में. आप इन्हें आप सॉल्व कैसे करेंगे? डिवाइडिंग 15 बाय 3 मींस स्टूडेंट्स आपको ये देखना है 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है. स्टूडेंट्स, या तो आप इसे अपने माइंड में कर सकते हैं डायरेक्टली या आप इसे हाउस बना के जैसे हम करते हैं उस तरह भी आप कर सकते हैं. जैसे 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 जा 9, 3 फोर जा 12, 3 फाइव जा 15. यस स्टूडेंट्स, 15 कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स. तो स्टूडेंट्स, हम 5 यहाँ राइट करेंगे, 15 हम नीचे राइट करेंगे 0. स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स. तो हम क्वेश्चन क्या राइट करेंगे? 5. एंड रिमाइंडर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है? 0. तो हम रिमाइंडर 0 राइट कर देंगे. 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स. तो हमने क्वेश्चन 5 एंड रिमाइंडर 0 राइट कर दिया. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज डिवाइडिंग 25 बाय 5. आपको ये देखना है 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है. यस स्टूडेंट्स, 5 की टेबल मैंने यहाँ राइट की है. 5 इन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, 5 5 जा 25. कंप्लीट टाइम आता है तो हम कितना राइट करेंगे क्वेश्चन? 5. और यदि हम हाउस बना के राइट करते हैं तो 5 कितने टाइम्स आया? 5 5 जा 25. तो हमने 0 राइट कर दिया. सो क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? 5 एंड रिमाइंडर 0. नाउ सी पॉइंट इज डिवाइडेड 21 बाय 4. अब आपको 4 की टेबल में देखना है 21 आता है और यदि नहीं आता है तो आपको उसको जस्ट बिफोर नंबर देखना है. अब जैसे मैं हाउस बना के राइट करती हूँ 21, 4 की टेबल स्पीक करते हैं. 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20, 4 सिक्स जा 24. 24 स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएगा, हम 4 फाइव जा 20 लेंगे 20. तो स्टूडेंट्स, 1 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1. सो हम 1 राइट कर देंगे. ओके, क्योंकि इसमें लेफ्ट आ रहा है 1, तो रिमाइंडर आपका 1 होगा और क्वेश्चन आपका 5 होगा. ओके, तो आपने क्या राइट, क्वेश्चन क्या राइट किया? 5 एंड रिमाइंडर 1. नाउ डी 28 डिवीजन 6 मींस डिवाइडेड 28 बाय 6. सो स्टूडेंट्स, आप इसे डायरेक्टली देखिए कैसे करेंगे. आप 6 की टेबल हो रही है और इतने टाइम्स बोलना है कि या तो 28 आ जाए, और यदि 28 नंबर नहीं आता है तो जस्ट बिफोर नंबर आपको लेना है. 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24, 6 फाइव जा 30. यस स्टूडेंट्स, 30 का हमारा ज्यादा हो जाएगा तो हम इससे बिफोर नंबर लेते हैं 24. सो स्टूडेंट्स, अब यदि हम हाउस बना के करते हैं इसे 28, तो देखो 6 फोर जा कितना होता है हमारा 24. 8 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे. यस स्टूडेंट्स, 4. सो हम 4 राइट कर देंगे और 2 में से 2 गए 0. रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका? 4. क्वेश्चन भी 4 आ रहा है. आपको क्या राइट करना है? क्वेश्चन आपको ऊपर 4 राइट करना है, रिमाइंडर आपको 4 राइट करना है. तो स्टूडेंट, अब आपने क्या देखा? जब कंप्लीट आपका पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपका रिमाइंडर 0 होता है, और जब आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो आपका रिमाइंडर लेफ्ट रहता है. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप अपनी एक्सरसाइज 1.6 अपनी नोटबुक में सेल्फ सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.